स्पेशल लाइट लगा हुआ है इस पे। वाह, हमारा रोबोट रेडी है। चीयर्स। कल पौधा वगैरह को डाला था बाहर थोड़ा हवा वगैरह लगने के लिए, तो अभी अंदर डाल दिया है ज़्यादा, क्योंकि अभी धूप लग जाएगा तो फिर ख़राब हो जाता है पौधा। और अब बैठ कर पी रहे चाय। तो अब बाकी आज का क्या प्लान है अब डिसाइड करते हैं। अभी कल तो डिसाइड किया हुआ था कि लेपोर्ट ट्रेल से जाएंगे, बारिश में बट हल्की सी बारिश हो रही है। हमने सोचा था कि आज मॉर्निंग में जाएंगे लेपर ट्रेल पे बाइक राइड करने के लिए, बट सुबह से हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो हम जा नहीं पाए, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला कहीं बाहर जाने का, मौका नहीं मिला दो दिनों से। कल सैटरडे खराब चला गया बारिश की वजह से, और कल आज, हम लोग जाकर रास्ते से लौट कर आ गए थे। तो आज फिर हमने, अभी अब बारिश बंद है एक दो घंटे से, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अक्षरधाम जाया जाए। अक्षरधाम काफ़ी फेमस टेम्पल है दिल्ली में, मैं एक बार गया हुआ हूँ जिस टाइम में मैं फ्लिपकार्ट में था तो कलीग्स के साथ गया था वहीं पे। तो अंदर में कैमरा वगैरह, लेदर बेल्ट वगैरह अलाउड नहीं करते हैं, फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं करते हैं, बट हम जाके आते हैं। वहाँ का लाइट एंड साउंड शो काफ़ी फेमस है। इतने दिनों से हम दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन प्रीति के साथ कभी नहीं जा पाए हैं। मैं नहीं गई हूँ। हाँ, तो आज हम जाते हैं। अभी अपने पास अब ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, तो अब जाते हैं अक्षरधाम घूम करके आते हैं। कहीं तो जाना था। हाँ, मतलब ये है कि वीकेंड में कुछ तो एंजॉय करना था, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना करें, वीकेंड वीकेंड जैसा जाना चाहिए। तो फिलहाल अक्षरधाम घूमते हैं। हाँ, वेदर अच्छा है और टाइम, हाँ 6:30 लास्ट टाइमिंग होता है ना। मुझे लगा था कि 5:30 लास्ट टाइमिंग होता है, सॉरी मुझे लगा था कि 6 बज चुका है, आधा घंटा ही अपने पास है। चलो कोई नहीं, फिर आज हो जाएगा। अंदर का अक्षरधाम बहुत ही अच्छा है, अगर कोई नहीं गया है तो वहाँ पे जरूर जाओ। मैं एक बार गया हुआ हूँ, तो हाँ देखने में अच्छा लगता है। बाहर से भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, अंदर में 3-4 घंटे कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलता वहाँ पे। बारिश होने के बाद ओहो, कहीं कहीं पे सड़क टूटा हुआ है सोसाइटी के अंदर, हल्का पानी सा पानी जम जाता है। अक्षरधाम के अंदर मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा करवा देता है, तो जब भी जाएँ तो कैश के साथ जाएँ, कैश लेके जाएँ, क्योंकि अंदर में फिर कैंटीन वगैरह है, अगर कुछ खाने वाने का इच्छा हुआ तो फिर अगर कैश नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपीआई नहीं हो पाएगा वहाँ पे, मोबाइल वगैरह सबमिट करवा लिया जाता है। चलो मैं आया निकाल के। ठीक है, यहाँ पे ही एटीएम है दूसरे सोसाइटी के पास में ही। बंद कर दे रहा, बंद कर दे रहा। कितना सुंदर लग रहा है ना, मस्त सुंदर लग रहा है। और अभी अक्षरधाम से वाटर शो देखने के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं नोएडा अपने घर। काफ़ी अच्छा था ना शो, बहुत बढ़िया था। और अब कहूँ एक चीज़, शो तो देख लिया, बाकी अब नाइट में रोड पे चलने का मज़ा कुछ और होगा। ये इधर ही को भी भाई रहते थे पहले, ये देखा था उधर ही। नोएडा को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, पता नहीं अंदर
ये फिल्म सिटी है नोएडा का। और ये जो तिरंगा दिख रहा है ना, ये तो हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि अभी 15 अगस्त आने वाला है तो है, ये हमेशा ही रहता है तिरंगा जैसा। हाँ, नोएडा को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये पहुँच गए थे, आधा घंटा लाइन में लग के हमने वो सामान वगैरह जमा करवाया। यार ये कैफे तो इसका काफ़ी चल रहा है यहाँ से, है ना, अच्छा खासा चल रहा है कैफे इसका। भैया जाने दो हमें, और हम पहुंच गए पार्किंग। ये जो स्कूटर है ना, ये थॉर का स्कूटर है। एवेंजर मूवी एवेंजर पार्ट 3 में पंचर हो गया। दुबई तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन दुबई का जो वाटर शो का वीडियो है वो यूट्यूब वगैरह पे तो रहता है, मैंने देखा था। मुझे अक्षरधाम का वीडियो अच्छा लगा, वाटर शो अच्छा लगा, क्योंकि अक्षरधाम के वाटर शो में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी वो माइथोलॉजी पे थोड़ा सा स्टोरी बना के उसका पूरा गथा गया था कहानी, और उस कहानी के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा था शो, तो ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि बिल्कुल फ्लैट नहीं था कि बस साउंड कोई म्यूजिक चला दिया और ऊपर नीचे हो रहा है। वो पूरा माइथोलॉजी के ऊपर एक कहानी बनाया गया था, और 30 मिनट का वाटर शो होता है, उस कहानी के अकॉर्डिंग जो कहानी की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से म्यूजिक चल रहा था, और उस हिसाब से वाटर शो चल रहा था, तो ये काफ़ी सही लगा, है ना। वाटर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि कैमरा वगैरह अलाउड होता नहीं है, तो हम कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाए, और अब वक्त हो चला है सोने का, तो तब अब हम लोग अपने वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।